नमस्कार, जन की बात में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 इस मुद्दे को न्यूज़वर्ल्ड इंडिया पिछले एक महीने से लगातार उठा रहा है, लगातार इन अभ्यर्थियों की आवाज बन रहा है। देखिए, आज देश भर में होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर कोई अपने परिवार के साथ है और रंगों के इस त्यौहार को खूब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 की अभ्यर्थी, जिन्हें वर्दी नहीं मिली है और वर्दी के लिए वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं पिछले एक महीने से, या ये कहूँ पारुल में कि एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। ये दिल्ली की सड़कों पर है और आज होली के त्यौहार देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन ये घर नहीं गए हैं। इन्होंने कहा है कि हम कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करेंगे, कोई त्यौहार हम नहीं मनाएंगे, हमें सिर्फ वर्दी चाहिए, हम वर्दी लेकर ही घर जाएंगे, वरना चाहे जितने त्यौहार आए, गर्मी आए, सर्दी आए, बरसात आए, तूफान आए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आप इनका दर्द समझ सकते हैं। जहाँ एक तरफ हम बैठकर अपनों के साथ तमाम त्यौहार मनाते हैं, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हुए हैं, बेसहारा बेसहाय। इनके चेहरे देखने लायक होते हैं क्योंकि चेहरों पर मायूसियत है। तमाम तरीके की ये कोशिश कर चुके हैं, तमाम नेताओं के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने इनकी आवाज उठाई हो। जी हाँ, अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनकी मैं तारीफ करना चाहूंगी, जिन्होंने इनका मुद्दा जो है वो सदन में उठाया और इस पर बहस भी की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है क्योंकि सरकार सुनना नहीं चाह रही है। देखिए, विपक्ष की तो वैसे ही सरकार नहीं सुनती है। यहाँ पर सरकार को बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार फिलहाल कुछ नहीं सुन रही है। सरकार की मंशा जो है वो ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा हमें साफ नजर आती है, सरकार हमें नौकरी देना नहीं चाहती, सरकार चाहे तो हमें नौकरी आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि इनका कहना है कि हम एसएससी ऑफिस गए थे, वहां के चेयरपर्सन से हमारी बात हुई है और उन्होंने सीधे तौर पर इन्हें कह दिया है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर गृह से ऑर्डर आता है तो भर्ती हो जाएगी, अगर नहीं आता तो नहीं हो सकती। पारुल, ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि अगर ऊपर से ऑर्डर आता है तो इनकी भर्ती है, और इसी उम्मीद के साथ ये त्योहार पर भी आज अपने घर नहीं गए हैं, आज दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं। सोचिए कि हम आप अपने परिवार के साथ होली का त्योहार मनाकर आए हैं, उसके बावजूद भी ये जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं। हमने तो अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर ली, लेकिन इनकी खुशियों का क्या? बिल्कुल काजोल, यही सवाल है इनका कि जब तक, यही मांग है इनकी कि जब तक सरकार हमें वर्दी नहीं देगी, हमें ज्वाइनिंग नहीं देगी, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम यहाँ पर अड़े रहेंगे, हम अपने अपने घर नहीं जाएंगे। देखिए काजोल, इससे पहले, होली से पहले कि मैं बात करूँ, होली से कुछ दिनों पहले मैं इनसे खुद मिलने गई थी, मैंने खुद इनसे सवाल किया था कि होली का त्यौहार है, अक्सर हर त्यौहार पर, होली हो या दिवाली हो, हर बच्चा, हर परिवार का सदस्य अपने परिवार के साथ मौजूद रहना चाहता है, अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाना चाहता है, लेकिन साफ तौर इनका कहना था कि हम घर जाकर भी क्या करेंगे, हम खाली हाथ घर जाएंगे तो उस त्यौहार में खुशी ही क्या होगी, हम इससे अच्छा तो हम यहीं पे रहें। अपनी मांग जो है वो उसके लिए आवाज उठाते रहे क्योंकि घर जाकर भी हमें मायूसी ही हाथ लगेगी, कोई त्यौहार में खुशी नहीं होगी, कोई रंग नहीं होगा उस त्यौहार में, तो हम उस त्यौहार को मनाए क्यों। इसीलिए देखिए काजोल, आज होली का त्यौहार है, देश भर में हर कोई होली मना रहा है, लेकिन आज भी ये स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हैं, दिल्ली की सड़कों पर मांग कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बात जो है वो नहीं सुन रही है। बिल्कुल पारुल, और देखिए जिस तरह से आज देश भर में सब अपने परिवार के बीच गुजियों का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि होली का जो सबसे पसंदीदा पकवान है वो गुजिया है, लेकिन ये अभ्यर्थी भूखे हैं, बिल्कुल इनके पास खाने तक की चीजें नहीं है। कभी गुरुद्वारे का सहारा लेते हैं, कभी मंदिरों का रुख करते हैं, तो कभी कोई इन्हें मदद के नाम पर खाना खिलाया जाता है, खाने के पैकेट्स बांट जाता है। लेकिन आप सोचिए कि ये कितना दुखद है कि ये देश की विडंबना है कि जो अभ्यर्थी पूरी तरह से फिट है, मेडिकल फिट है, रिटर्न क्लियर किया है, फिजिकल क्लियर किया है, और मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें एक कुर्सी चाहिए या एक ऑफिस चाहिए, इसी में बैठकर ये काम करेंगे, कंप्यूटर पर काम करेंगे, जी नहीं, ये पूरी तरह से मेहनत करेंगे, ये बॉर्डर पर लड़ेंगे और अपनी जान देकर भी भारत माँ की रक्षा करेंगे, लेकिन इन्हें ये मौका नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि चीनी सेना जो है लगातार भारतीय सेना में, भारतीय जो सीमा है वहां पर दखल अंदाजी कर रही है, और भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब चीनी सेना, चीनी सैनिकों का दे रही है, तो ऐसे में
अगर हमारा संख्या बल बढ़ता है तो इससे हमारी सेना को, और सबसे बड़ी बात काजोल ये भी है कि संख्या बल में कमी है, उसके बावजूद भी इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि लगातार काजोल जब हम इनसे बात करते हैं इनका सवाल यही होता है कि बॉर्डर्स की अगर बात करें तो एक सेना का जवान जो है वो 18-18 घंटे की जो है वो नौकरी करता है, वो इसलिए क्योंकि सुरक्षा बलों का जो नंबर है वो वहां पर कम है। जब सुरक्षा बलों का नंबर कम है तो जब ये पूरी तरह से क्वालिफाइड है, हर तरह से ये फिट है, तो फिर इन्हें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जाती, और सवाल यही लगातार हम उठाते रहते हैं। और न्यूज़वर्ल्ड इंडिया इसीलिए इनकी ये मुहिम भी चला रहा है इनके लिए, ताकि इन्हें ज्वाइनिंग जो है वो मिल सके, ज्वाइनिंग नहीं तो कम से कम सरकार की तरफ से इनकी बात का आश्वासन जो दिया जा सके, एक जवाब दिया जा सके, ताकि इनके मन में एक संतुष्टि हो कि जिस लिए ये लोग आए थे, एक से डेढ़ महीना जब इन्हें हो गया है, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, तो इन्हें किसी बात की संतुष्टि तो हो, एक जवाब तो सरकार की तरफ से दिया जाए ताकि ये अपने अपने घर वापस जा सके। देखिए लगातार हम आप इन लोगों से ये भी अपील करते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस बहुत हैं, आप आगे भी और तैयारी कर सकते हैं, लेकिन काजोल जब हम लगातार इनसे ये भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी एक मायूसी रहती है, निराशा रहती है कि अगर हम अगले एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, अच्छी तरह से पास भी कर लेंगे, पहली बात तो इनका ये कहना होता है कि हम बार बार इतने पैसे नहीं वो अफोर्ड कर सकते, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि जी परिवार एक बहुत मेहनत करके इनके माता पिता ने इन्हें पढ़ाया, और 3 साल में इन्होंने मेहनत की, 50-60 हज़ार इनके लिए बहुत बड़ी रकम है। और बिल्कुल पारुल, यहाँ पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन पारुल सवाल ये भी है कि अगर ये दोबारा तैयारी भी कर लें, देखिए बहुत सारे जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं जिनके पास मौका नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास मौका है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर वो दोबारा मेहनत कर भी लें, तैयारी कर भी लें 3 साल, क्या गारंटी है कि इन्हें भर्ती मिल ही जाएगी, इन्हें नौकरी मिल ही जाएगी, इन्हें रोजगार मिल ही जाएगा, फिर से इनका 3 साल बर्बाद होगा, यानी कि 6 साल ये ऐसे ही अपने बर्बाद कर देंगे, इसीलिए मायूस है। देखिए कोरोना काल चल रहा है और होली पर किस तरह की गाइडलाइंस हैं आज हमने देखी भी हैं सड़कों पर पारुल, किस तरह से पाबंदी लगाई गई है और पुलिस जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, ऐसे में कभी खदेड़कर इन्हें उस तरफ किया जा रहा है, कभी खदेड़कर इस तरफ किया जा रहा है, इनकी तकलीफ न्यूज़वर्ल्ड इंडिया लगातार समझ रहा है, इनकी तकलीफ को समझने के लिए लगातार न्यूज़वर्ल्ड इंडिया मुहिम चला रहा है, इन्हें दिखा रहा है ताकि लोगों तक इनकी आवाज पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी क्योंकि दोबारा नई भर्ती निकली है 25 मार्च को, जिन्होंने आवेदन दिया है वो देखे और समझे कि आखिर उनके साथ वो अगले मौके पर ये भी लोग हो सकते हैं, उनकी जगह जो इस चीज का शिकार हो सकते हैं और इनकी तरह ही प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अगली बार भी ऐसे ही लोग प्रदर्शन करने के लिए आएंगे, लेकिन हो सकता है जिस सरकार पर इन्होंने भरोसा किया था, उन्होंने इनका कहना है कि एसएससी में पूरी तरह से धांधली हुई है और धांधली की वजह से ही इन्हें भर्ती नहीं मिल पाई, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है देश में, भ्रष्टाचार देखिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन अधिकारी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन अधिकारियों को क्या पारू। बिल्कुल काजोल, तमाम शिकायतें इन्हें हैं, तमाम नाराजगी इन्हें सरकार से है, और इसीलिए ये लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, पिछले 1.5 महीने से ये लोग दिल्ली की सड़कों पर मौजूद है, और देखिए ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ ही लोग हैं, ये 150 से 200 की संख्या में अभी ये लोग हैं अभ्यर्थी हैं, लेकिन कुछ और इनके साथी हर दिन 100 या 150 के साथी इनके जो हैं वो अलग अलग राज्यों से वापस आते जा रहे हैं, ताकि इनके जो एक संख्या है वो बढ़ सके। और जब इन्होंने देखिए दावा भी किया है कि होली का आज त्यौहार है, होली के बाद कुछ स्टूडेंट्स और आएंगे, 1,000-1,500 की संख्या में हम इकट्ठा होने वाले, उसके बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके, सरकार हमें ज्वाइनिंग दे, क्योंकि काजोल देखिए जिस तरह से किसान अपनी एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून जो हैं वो रद्द करा दिए जाए, इसी तरह से ये भी अपनी सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि हम कुछ नहीं सुनेंगे, हमें सिर्फ ज्वाइनिंग दी जाए, और ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, अगर वर्दी नहीं दी जाएगी तो हमें अर्थी दी जाए। लगातार देखिए ये एक लेटर लिखकर, मेमोरेंडम लिखकर गृह मंत्री हो या फिर रामनाथ कोविंद हो, राष्ट्रपति हो, उनसे लगातार ये इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें इच्छा मृत्यु चाहिए, और लगातार ये लोग ये कहते हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम अपने ऊपर पेट्रोल डालकर हमें अपने आप को आग के हवाले कर लेंगे, लगातार ऐसी बात जी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन पारुल ये सही नहीं है। देखिए विकल्प जो है, अगर निराशा हाथ आपकी लगी है तो जरूरी नहीं है कि आप आत्महत्या, खुदकुशी, आत्मदाह का सहारा लें, आप मेहनत करिए, आप देश का युवा है, आपसे लोग, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो सीखेगी, वो आप रोल मॉडल उनका बन सकते हैं, तो इसलिए
निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपनी बातों पर आप अड़े रहिए। सरकार आज नहीं सुनेगी, कल नहीं सुनेगी, लेकिन एक ना एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि किसान लगातार 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको भी हिम्मत जुटानी होगी। जाने कितने त्योहार आएंगे, कितना मौसम बदलेगा, लेकिन आपका हौसला अगर बुलंद है, आपका हौसला अगर अड़िग है, तो आपको कोई हटा नहीं सकता है, आपको कोई झुका नहीं सकता है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप हौसला बढ़ाएं और यूं ही डटे रहें। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपके साथ है, लगातार आपकी बातों को उठाता रहेगा। और इस प्लेटफॉर्म पर अगर मैं बात करूं, प्लेटफॉर्म पर लगातार हम आपकी आवाज बने हुए हैं, और आगे भी हम भरोसा देते हैं कि आपकी आवाज को हम यूं ही बुलंद करते रहेंगे, ताकि आपकी आवाज आवाम तक पहुंचे, क्योंकि आवाम से ही सरकार है, सरकार आवाम से नहीं है। पारुल जी, बिल्कुल काजल। और देखिए, एक अपील मैं भी आप लोगों से ये करना चाहूँगी, जिस आत्मदाह की आप लोग बार बार बात करते हैं, उसकी बात ना करें। हम आपसे लगातार ये अपील करते हैं कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं कि आपके परिवार वालों को उसकी वजह से किसी तरह की परेशानी हो, क्योंकि देखिए, बहुत ही मेहनत से आपके परिवार वालों ने पढ़ाया लिखाया आपको, पैसे इकट्ठा किए, जाने कैसे तैसे किए होंगे ये सब आपको ही पता होगा, लेकिन अगर आप आत्मदाह जैसा कदम उठाते हैं तो आपके परिवार को ही नहीं, देखिए देश को इससे नुकसान होगा, क्योंकि ये देश का युवा है आप। आपके पास अभी बहुत ऑप्शन है, आपके पास बहुत कुछ करने की आपके अंदर हिम्मत, ऐसा नहीं है कि देखिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो आगे आप जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपकी, कुछ लोग कह रहे हैं कि एज लिमिट जो है वो हमारी खत्म हो गई है, लेकिन देखिए आपकी उम्र ऐसी भी नहीं हुई है, इतनी भी नहीं निकली है कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना कि सीखने और कुछ करने की और कुछ नई शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती और कोई सीमा नहीं होती है। आप आराम से किसी भी काम की शुरुआत किसी भी उम्र में किसी भी सीमा में कर सकते हैं। जरूरत है तो हौसलों को उड़ान देने की। अगर आप हौसलों को उड़ान देना चाहते हैं तो आपको उस पर अड़िग रहना पड़ेगा। अड़िग इसलिए क्योंकि ताकि आप कोई हरा ना पाए, कोई हटा ना पाए, आपकी जिद को कोई तोड़ ना पाए, लेकिन जिद अच्छा करने की, जिद बेहतर करने की, जिद देश का नाम रोशन करने की। और जिस तरह से सरकार सपना देख रही है आत्मनिर्भर भारत का, उस भारत को आगे बढ़ाने की। मैं मानती हूँ कि सरकार से आप खफा हैं, लेकिन सरकार आपकी जरूर सुनेगी। आप ऐसी अपनी आवाज उठाते रहिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।